वो बैड अंकल ने पाखी दीदी को किडनैप कर लिया तो वो पाखी दीदी को कहाँ लेके जाएंगे? मैं पाखी दीदी से कैसे मिलूंगी? बस कर, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हारी पाखी दीदी को। पर मम्मा मैंने टीवी में देखा है कि वहाँ पे वो लोग जब किडनैप करते तो वापस नहीं देते। मीनू मैंने कहा ना बस कर जा, चुप कर। और ये क्या देखती रहती तू टीवी पर? अगर यही सब देखना है तो आज से तेरा टीवी देखना भी बंद। अरे डॉली इसे क्यों तू डांट रही है? रो मत हाँ बेटा, तेरी पाखी दीदी को कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी उसे सही सलामत घर भेज देंगे। तू भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी पाखी दीदी को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। भगवान ना बच्चों की प्रार्थना पहले सुनते हैं। ओके नानी, मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी। अच्छी बात। मम्मी पापा मुझे घर जाना। वो दोनों हमारे से बहुत पीछे रह गए, अब हमें कोई खतरा नहीं है। अब इस रोड पे कोई पुलिस की चेकिंग भी नहीं है, हम आराम से निकल जाएंगे। पाखी 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 बेटा, स्वीटी बेटा, स्वीटी उठो उठो, आ जा बच्चा, संभल 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 संभल। पाखी सॉरी बेटा, तेरे पापा ने तुझे हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। तू ठीक है वो? स्वीटी स्वीटी बेटा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? होश में क्यों नहीं आ रही है? ऐसे बड़बड़ा रही है बस। जरूर इसको इन्होंने कोई नशे वाली चीज सुखाई होगी। यू आर राइट, ये दोनों प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं जो बच्चियों को किडनैप करके दूसरों के साथ सौदा करते हैं, और ना जाने कितने छोटे बड़े ह्यूमन रैकेट्स हैं जो चंद पैसों के लिए ये लोग मासूम बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तूने मेरी बेटी को अगवा किया, उसे हाथ लगाया, मैं तेरी जान ले लूंगा। मिस्टर शाह छोड़िए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेक श्योर इन दोनों को सख्त से सख्त सजा मिले। डोंट वरी मिस्टर शाह, हमें भी इन दोनों की तलाश थी, अब हम इन्हें ऐसी सजा देंगे ये लोग पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। सजा ही नहीं, इन्हें सबक भी मिलना चाहिए, ताकि ये कभी जिंदगी में किसी भी माँ बाप से उसके जिगर के टुकड़े को अलग करने की सोचे भी नहीं। ले चलो दोनों को, ले चलो चलो अरे सर। हाँ हाँ बेटा सर सर, कर चले। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर भाई? डॉक्टर पटेल, अगर आपको जरा सा भी शक है ना तो हम लोग इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं वनराज भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पाखी बिल्कुल ठीक है। किडनैपर्स ने जो नशीली दवाई सुंघाई थी, कुछ घंटों में उसका असर अपने आप चला जाएगा, सो नॉट टू वरी। पाखी को आराम करने दीजिए, शी विल बी फाइन सून। थैंक यू। ठाकुर जी ने लाख लाख कृपा कि हमारी पोती सही सलामत घर वापस आ गई। बाय द वे, आप लोगों को पता कैसे चला कि पाखी उस कार में है? हमें नहीं, अनुपमा को पता चला। कैसे? जैसे हर माँ को पता चलता है, माँ का इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होता, वो आंखें बंद करके भी अपने बच्चे को ढूंढ लेती। माँ के दिल से बड़ा जीपीएस कोई नहीं होता। मैं तो पैनिक करके गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, जैसे दौड़ के गाड़ी को पकड़ लूंगा। एक ही मिनट में रियलाइज हो गया कि फिल्म में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। थैंक गॉड फॉर अनुपमाज इंस्टिंक्ट कि उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, इसीलिए पुलिस उस गाड़ी को पकड़ पाई। शाबाश शाबाश बेटा। हर माँ बचपन से अपने बच्चों को सावधान रहना सतर्क रहना सिखाती है। टैक्सी रिक्शा में बैठो तो फटाफट से नंबर नोट कर लो, घर वालों का
फोन नंबर याद रखो, घर का पता याद रखो, तो जो बातें बच्चों को सिखाती है वो खुद कैसे भूल सकती है। तो थैंक यू अनुपमा, मेरी हमारी बेटी को बचाने के लिए। चलो अब पाखी को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। हाँ, मैं बैठती हूँ पाखी के पास। जाओ वनराज बहू, तुम दोनों जाके कपड़े बदल लो। नहीं बा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाकी के साथ बैठता हूं। थैंक यू। मेरे बच्चे को सही सलामत लौटाने के लिए मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे दे दीजिए हो, और उसके हिस्से में जो भी दुख लिखा है मुझे, इतना ऊपर नीचे कर सकते हैं। थैंक यू। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना बा, फिर क्यों उदास है? अगर मेरी पोती को कुछ हो गया होता तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाता? पाखी को ढूंढने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन उसे कुछ नहीं होने देते, उसे ढूंढ के ही रहते बा। कुछ नहीं होने देते। एनीवे मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर यहीं छोड़कर जा रही हूँ, इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाए, पाखी को हॉस्पिटल लेके जाना हो तो। आज तक मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा और तुमने भी क्या क्या नहीं किया, पर आज बुरे वक्त में तूने हमारा साथ निभाया, हमें संभाला, इसलिए थैंक यू। राखी तू उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझती थी। माँ, आपके मुंह से राखी बड़ा अजीब लग रहा है, आप मुझे नागिन ही बुलाया करिए। बस आवे। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राखी बहन। सुषा, हम माओं की एक आदत होती है, जब बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो हम खुद को दोष देते कि हमने ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, खुद को दोष मत देना, क्योंकि कुछ चीजें माँ के भी कंट्रोल में नहीं होती। टेक केयर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय काव्या। आई नो इस वक्त तुम कितना लोनली फील कर रही हो, कि जस्ट डील विद इट, बिकॉज मिस्टर शाह इस वक्त तुम्हारे भी नहीं, पाखी के पापा है, सिर्फ पाखी के पापा। And as I can see, तुम्हारे यहाँ रहने ना रहने से does not even make any difference to him, so don't even try anything.
एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे।